अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी यूट्यूबर सनोबर। आपको मेरे चैनल की कुछ वीडियो पसंद नहीं आती, लेकिन बराए मेहरबानी इसको लाइक कर दिया कीजिए। हो जाता है बात चीज़ें हमें समझ में आ रही होती हैं, आपको समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन जो हमें दिखाती हूँ मेन पॉइंट है कि ये पानी की सब धुली हुई रखी हुई है और ये दाने की सब साफ करके रखी हुई है, सही है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये अब गर्मियाँ आ रही हैं तो मैंने इसके अंदर हाफ टी स्पून ऑयल डाला हुआ है। ये बाद लोगों ने कहा कि हमें समझ में नहीं आया कि आपका दाना है क्या, तो मेरा दाना है ये ब्लैक ये बीज है, ये कनकी है मोटी, ये मोटी कनकी है, ये ब्लैक बीज है और ये मेरा भीगा हुआ दाना है। और ये है ना बाजरा, तो सबको ही पता है। इस बाजरे के अंदर मैंने हाफ टीन स्पून, ये चिकना चिकना नज़र आ रहा होगा, ये फ़िश ऑयल डाला है क्योंकि अभी सर्दियां हैं तो थोड़ा फ़िश ऑयल ना डालना चाहिए, लेकिन है ना अब गैप कर दें, जैसे हम रोज़ाना सर्दियों में दे रहे थे वो अब सर्दियों में नहीं देंगे ज़्यादा गर्मियों में, और उसको गैप कर दिया, और शदीद गर्मी में तो बिल्कुल ही नहीं देंगे, सही। और ये दाना है, इसमें गंदम है, चना है और चावल हैं लाल वाले और कटर मटर, ये सही ये चार चीज़ें। और इस गंदम देखेंगे आप वाकई मिकदार में ना, यानी कटर मकई गंदम एक उस पर है, चना कम है, तो मैं ये लेती हूँ जैसे तीन, मैं तो चार किलो गंदम लेती हूँ, मेरे बहुत पसंद है, और चार किलो कटर मकई लेती हूँ और एक किलो चना, दो किलो चना लेती हूँ और दो किलो ही ये लाल चावल दिख रहे होंगे आपको, ये लाल चावल सही है, ये आप दिखाती हूँ। ये गंदम मोटी मोटी नज़र आ रही होगी, कटर मकई सही, और कटर मकई बहुत बारीक होती है, ये रही कटर मकई सही, क्योंकि मोटी मोटे वो तोतों को खाने में परेशानी होती है, तो ये लाल चावल है। और चना मैं आपको दिखाती हूँ, ये चना है, ये छोटा वाला चना होता है कबूतरों को जो खिलाते हैं। अच्छा अब मैंने जो करना है वो करना है, बजरी का अलग बनता है, वो मैंने आपको बताया था, बजरी के बर्तन भी अलग धुलते हैं। और अब गर्मी आ रही है तो हम इसको सॉफ्ट फूड के साथ, ये सॉफ्ट फूड है इसका मिक्स किया हुआ, और सही है इसमें खुश फूड है, इसके अंदर ये जो मोटी कंगनी है ये है और ये सॉफ्ट फूड है, और ये काले काले आपको बीज नज़र आ रहे होंगे, मैं और दिखा देती हूँ। सही, अब ये सब्जियाँ देनी है, अभी से शुरू कर दो नहीं तो ये खाएंगे नहीं, तो आप थोड़े से ये बंद गोभी जो भी सब्ज़ी मिले, टिंडा हो को लौकी हो कुछ भी मिले, वो आपने काट के रोज़ाना रेगुलर थोड़ी थोड़ी डाल देंगे, आपके घर में सब्ज़ियाँ होती हैं ना तो फ्रिज में से निकाल के एकदम डालिएगा, नज़ला ज़ुकाम हो सकता है, पहले उसे रख दीजिएगा जब गर्म हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो उसको आपने करना है ऐसे ऐसे मोटा मोटा काट के डालना है, कभी कच करने से नहीं खाते, ये आपको बता दूँ, मेरे तो नहीं खाते, बाकी उड़ के हो सकता खाते हैं। तो मैंने अभी शलजम दिए, इसको मूली दी है, और ये लाल वाला चुकंदर है, शिमला मिर्च है, सही है, जो भी सब्ज़ी होती है अलग अलग ऐसे सख्त सी, मगर मैं पालक को मना करती हूँ क्योंकि पालक के ऊपर दवाई छिड़की जाती है और उसमें आयरन होता है, वो तो इंसानों को भी मोशन लगा देता है बाजू का अपना, जिनका पेट हल्का है तो आप जो देते हैं तो उनको कुछ नहीं होता वो दें, लेकिन जो काम नए पालने वाले हैं वो ना दें तो बेहतर है, मक्खियाँ आजकल फिर अभी तो मौसम भी नहीं है और इतनी शदीद मक्खियाँ हो गई हैं, तो मैंने ना ये आपके लिए मैंने कहा जब नया सॉफ्ट फूड तैयार कर रही हूँ बजरीज के लिए तो ये आपको दिखा दूँ। अगर इसमें भी किसी को समझ में नहीं आया, जैसे दूसरे लोग व्हाट्सएप पे मुझसे बात करते मालूम कर लेते हैं, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर इसको दे दूँगी इंशाल्लाह, तो आपको जिनको भी परेशानी हो वो इस टाइम मुझे फ़ोन ना करें, इस टाइम मैं छत पे होती हूँ तो किसी का अटेंड नहीं कर सकती परिंदों में,
हाँ मैं 1 बजे जब नीचे जाती हूँ, जब बिजली होती है तो मैं अटेंड कर लेती हूँ सबका। और ये रात को आप मुझे ना 7 बजे 6 बजे से फ़ोन कर सकते हैं, और 11 बजे तक आराम से मेरे को फ़ोन पे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो मैं सकते हैं। अच्छा अब ये जो मैंने आपको दिखाया है ये है बजरी का, सही है, प्यारा भी लग रहा है ना सजा हुआ, लेकिन ये बजरी का है। आज ये चुकंदर हैं तो प्यारे लग रहे हैं, कल इसमें लौकी होगी, टिंडे होंगे या कोई ऐसी सब चीज़ होगी बन, वो फूल गोभी भी हो सकती है, यानी जो मेरे घर में आता है ना, तो मैं इसमें से थोड़ा 1-2 पीस निकाल लेती हूँ और है ना इनको दे देती हूँ, क्योंकि मेरे 50 पैर हैं, इनके लिए बहुत है। सही, अब हम आ गए ये से अपने ये कॉकटेल वगैरह का फूड है, फिशर का फूड है, कबाब ये देखें बिल्कुल अलग है, ये भी खाते हैं लौकी शॉप से खाते हैं, मगर हर कोई नहीं खाता। तो जब मैं ये सॉफ्ट फूड देती हूँ तो लूसन नहीं देती, और जब ये सॉफ्ट फूड में क्या कहते हैं ये ऑयल वगैरह नहीं देती तो लूसन डालती हूँ। सही है, तो ऑयल भी गर्म है अभी और है ना लूसन भी गर्म है, तो आप है ना जब ऑयल दें फिश का तो लूसन ला दें। ये देखें ऑयल इतना हो रहा है, इसको सही से मिक्स हो जाएगा। सही, ये देख रहे हैं आप कितना चमक आ गई इसमें, आधी चमची डाली है मैंने। और पहले मैं बजरीस को भी यही दे रही थी तो मैं 1-1.5 चमचा डाल रही थी, वो बहुत ज़्यादा आता था फूड, लेकिन अब देखना ये फूड अलग है और ये फूड अलग है। अब इसको थोड़ी देर मिक्स करके रख देंगे ताकि ऑयल जो है इसके अंदर अच्छी तरह जज हो जाए मछली का। ये कॉकटेल के लिए है, फिशर के लिए है, और उनके बच्चों के लिए। मैं इसको ढक देती हूँ ताकि ये मेरी ये छलियाँ हैं, ऐसी छलियाँ आप रखें ताकि ढक भी लें और ये छानने में भी काम आ जाए। तो अब ये मैं अपने इनको दूँगी कॉकटेल को, ये फिंचों को मैं मोटी कंगनी देती हूँ, बारीक कंगनी मैं इसलिए नहीं देती तो उसमें बीज नहीं होते, मुझे आराम से मोटी कंगनी खाती हैं। बस एक है ना एक अजदाम बना हुआ है कि भाई आप ये दें ये दें ये दें, नहीं आप है ना अपनी मर्ज़ी से दें, और जो वो खाती हैं उसमें बाजरा भी डाल देती हूँ, बाजरा डाल, लेकिन बाजरा शौक से नहीं खाती तो, लेकिन ऐसे ही डाल देती हूँ थोड़ा सा, लेकिन अभी नहीं डला हुआ। तो ये मैंने आपको फूड दिखाए, ये इनकी हमेशा बर्तन आप ऐसे यूज़ करें जो जैसे आप रखते हैं ना पानी का बर्तन, तो खुला बर्तन रखोगे सर्दियों में उसमें इतना पोटी वोटी करेंगे कि ये जीना मुश्किल हो जाएगा इनका। अब ये मेरा तोतों का है, सर्दियों में मैं इसमें देती हूँ ताकि ये जो पोटी वोटी करते हैं वो धुल जाता है। अब मौसम में ये मक्खियों की जैसे ना मौसम का, तो मैं अब जो दवाएं लाऊंगी इंशाल्लाह आपको मैं इनको बताऊंगी किस तरीके से देनी है, तो आप अपने जानवरों को वो दवाएं दीजिएगा, अभी से देना शुरू करें क्योंकि अभी मौसम आ गया है मक्खियों का, और नई नई मक्खियां आती हैं तो नए नए जरासीम होते हैं, बाद में तो सर वो बेचारे आप खुद भी आदि हो जाते हैं, तो मुझे इतना हाथ हिलाना पड़ रहा है। तो आप देख रहे होंगे तो आप ये देखें दानों को रहकर, बहुत से जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो तो बहुत माशाल्लाह फ़ोन करते हैं, बच्चे का खासकर आजकल बच्चों में ये शौक हो गया है, तो मुझे बड़ी खुशी है कि बच्चे जो हैं लड़के वो इस तरफ आ रहे हैं अपने परिंदों की तरफ, और परिंदे पालने से जो बच्चे हैं वो मसरूफ़ रहते हैं, उल्टी सीधी बातों में नहीं होते, अपने काम से काम लगते हैं, जानवरों पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, मरे जिए का उनको सदमा लगता है जिससे उनको एहसास पैदा होता है। आप अपने बच्चों को एक बट तो लाजमी दें ताकि वो मोहब्बत करना सीखें, आजकल यही है कि माँ बाप बर्थ वगैरह नहीं लेके देते, तो या कोई छोटा जानवर लेके नहीं देते, तो वो भी है ना एक बच्चों के लिए अंदर ना एक गैर उनको टाइम खेल पास करना है, घरों में रखते हैं तो हालात की वजह से कितने दिन रखे हुए बंदा तो वो हाइपर होने लगते हैं, और है ना एक दूसरे को मारना माँ बाप से बदतमीजी करना,
आप उनको अगर आप बिल्ली अफोर्ड कर सकते हैं तो घर में बच्चों के लिए बहुत बेस्ट होती है बिल्ली, क्योंकि बाल लोग परिंदों के गंद की वजह से ना बर्दाश्त नहीं करते, तो बिल्ली का तो कोई मसला ही नहीं होता, वो वाशरूम में चली जाती है, मेरी बिल्ली तो जाती है। और अब आप देखेंगे क्या कहते हैं, ये परिंदा एक जो भी पसंद है, किसी को मुर्गी पसंद है, किसी को चूजा, तो एक एक ले दें प्लीज़, इसको एक एक ले दें ताकि वो अपनी भड़ास उसी से निकाल ले भाग दौड़ के। जो अपनी भड़ास निकाल लेता है ना बच्चा, थक जाता है तो उसका ना जहन बढ़ जाता है। अब उसको कुदरती तौर पर थकना है तो वो फिर अपनी अफरा तफरियाँ मारपीट में लड़ाई झगड़ों में निकालता है। अब परिंदे मेरे बड़ी बेताबी से कूद कर इंतज़ार कर रहे हैं, सब खड़े हैं लाइन से, वो टहल रहे हैं, वो टहल रहे हैं। अभी इनके ऊपर मैं आपको मूवी बना के दिखाऊंगी, ये खाने के चक्कर में टहला जा रहा है, तो मैं आपको चैलेंज दिखाती हूँ। इन्होंने देखो कितना दाना बिखेरा हुआ, लेकिन मेरा कोई दाना ज़ाया नहीं जाता, ये जो बिखरा हुआ दाना ये मुर्गियाँ खा लेंगी। सही है, तो आपने देखा ये मक्खियाँ देखी, मैं इसलिए थोड़ी देर लगा रही थी कि ये मक्खियाँ आप देखें कितनी आती हैं। अब ये मक्खियाँ मोशन करेंगी जब खाने के ऊपर, जाली पे कितनी मक्खियाँ चिपकी हुई हैं। सही, अब मैं जाली धो के ना नीचे तखत के रख देती हूँ, ये तखत है मेरा, इस पर नीचे रख देती हूँ, यहाँ मक्खियाँ कम जाती हैं देरी की वजह से। और कितना फूट पे मक्खियाँ आ रही हैं दिख रहा होगा, तो ये है मोशन का असल कारनामा। तो आप अभी से अपने परिंदों को सेहतमंद हैं या नहीं सेहतमंद बच्चे हैं, बच्चों वालों को तो ख़ास तौर से दें, और बच्चों वाले को ख़ास तौर से दवाई दें। ये मोशन आप शुरू होने वाले ये मौसम शुरू होने वाला है अब मोशन का। ये सही है, ज़बान लड़खड़ा रही थी, ये देखें मक्खियों का। तो अब मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ, अपने परिंदों को मक्खियों से बचाएं और दवाएं ज़रूर दें, कितना भी आप हिला लें ये अंदर घुस घुस के ना परिंदों के उसमें, तो ये खाने में ज़रूर जाएंगी, कुछ भी कर लो, ये देखें ना कुछ भी कर लो ये ज़रूर जाएंगी। ये मेरा बाल्टी है, मक्खियों की वजह से कीड़ों से भरी रहती है। ओके, अल्लाह हाफिज़, सनू बकर दीजिए इजाज़त, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा, मैं भी आपको दुआओं में इंशाल्लाह याद रखूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।